नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कैसे हैं? फिर से एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, अभी सुबह के 6:15 हो रहा है अभी, और अभी चलते हैं दोस्तों। अभी थोड़ा सा एक गमछा काटना है तो काट लेते हैं। पहले तो गमछा को सबको पसारते हैं, उसके बाद में इस चाकू से काटेंगे। देख सकते हैं ये चाकू है। तो चलिए फिलहाल जल्दी से हाली हाली काट लेते हैं। पहले सरिया लेते हैं, सबको पसारते हैं सबको। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं सबको पसार लिया। अब चलते हैं, काटते हैं। एक आदमी उधर से पकड़ने के लिए, ऐसे पकड़ने के लिए चाहिए। ऐसे भी कटाया था अकेला भी, लेकिन कैंची रहता तो कटाया था। एक चाकू है तो इसके लिए एक आदमी पकड़ने के लिए चाहिए। तो अभी बहन पकड़ेंगे तो मैं काटता हूँ। तो यह सब बहन तब तक पकड़ते हैं और काटेंगे। तो दोस्तों काट लिया, देख सकते हैं गमछा हो गया कटा हुआ। इसको ऐसे ही लोह से इसको सरिया के रख देते हैं। तो दोस्तों ऐसे सरिया के रख दिया गमछा को, बाद में इसको जो है ना सरिया के इसमें बांधेंगे, ऐड करेंगे कम है तो। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं सरे गमछा उमछा काट के। दोस्तों आ गया अभी सरे में घूमने, और वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ था तो अपलोड भी करना था, और साथ ही साथ वॉक भी हो गया। और आज जो है ना, कल सुबह सुबह काम किया था, वहाँ पे बांस दिख रहा है, वहाँ पे केरैया उखाड़ा हुआ था। तो थोड़ा सा बाकी है तो वहाँ पे माई जो है ना जाके उखाड़ेगी। उसके बाद मैं चलता हूँ, ये समय थोड़ा सा घूमूंगा, और वहाँ केरैया है उसमें मोटर है, थोड़ा सा चुनूंगा। भवलू भी आ रहा है तो वो भी चुनेगा। तो चलते हैं दोस्तों खेत में, केरैया में मोटर है उसको चुनते हैं। हाँ दोस्तों, अभी मैं खेत में पहुँच गया, देख सकते हैं यही है केरैया, देख सकते हैं। इसी में जो है ना, इसमें का मोटर चुनना है, मोटर चुन लेंगे, उसके बाद में केरैया उखाड़ेंगे। तो पहले चलते हैं मोटर को चुनते हैं, एगो दो कहीं कहीं है। और दोस्तों जल्दी से, हमारे पास 1 घंटा समय है, 1 घंटा चुनते हैं, उसके बाद में चलेंगे घर पे। तो माल उल भी सरियाना है। तो दोस्तों चुन लेते हैं, देख सकते हैं ऐसा ही, एक ओर से नहीं चुनना है, एक साइड से, क्योंकि इसमें केरैया भी है तो केरैया छांट करके उखाड़ना है खाली मोटर। तो वही सब चुन रहे हैं, देख सकते हैं ऐसा ही कर करके चुनते हैं। 1 घंटा, 1 घंटा में जितना चुनाता है उतना चुनते हैं, उसके बाद में जुड़ा जाएगा सो कल फिर चुनेंगे। दोस्तों टाइम अभी 7:45 हो गया है, और अभी आधा लगभग उख रहा है, देख सकते हैं। और भवलू भी अभी उखाड़ रहा है। तो अभी मैं चलता हूँ दोस्तों घर पे, हमको माल सरियाना है। तो चलते हैं, थोड़ा सा बांध लेते हैं, और जो रह जाएगा सो भवलू लेकर आएगा। तो चलते हैं, पहले दोस्तों इस चादर पर ही बांध लेते हैं। दोस्तों अभी मटर को बांध लिया और उठाते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, उठा लिया सर पे, और दोस्तों चलते हैं। भवलू को जो है ना 9 बजे से काम पर जाना होता है, तो वो नरेगा वाला में काम करता है, सरकारी काम कहीं कहीं होता है ना, उस समय काम करता है। तो वो 9 बजे से 9:30 बजे से जाता है, तो आएगा वो 8 बजे, 8:15 बजे। अभी 7:30, 7:45 अभी हो रहा है, तो मैं अभी चल रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए फिलहाल दोस्तों घर पे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, अभी आ गया घर, और टाइम अभी 7:45 हो गया अभी। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी से सरियाते हैं सबको। यह है, इसमें से थोड़ा सा ऐड करके सरियाएंगे गमछा को, और इधर झोला भी सरियाना है, देख सकते हैं, और कैरेट का भी, सबको इधर उधर हो गया है, सबको सरियाना है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी सबको सरिया लेते हैं। सारे का सरिया लिया, और देख सकते हैं गमछा भी हो गया है, झोरा भी हो गया, और इधर का भी टोटल सरिया लिया हूँ। और टाइम के बात करें तो इस समय कभी इस प्रकार का है, कुछ धूप खूब है, और टाइम दोस्तों हो गया है 9:15 होने वाला है। चलते हैं, अभी स्नान भी नहीं किया, चलते स्नान करके फिर मिलते हैं। तो अभी स्नान कर लिया, और अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, खाना खाते हैं, उसके बाद में माल लोड करेंगे। तो खाना भी दोस्तों आ गया है, तो खाते हैं दाल चावल सब्जी है, उसके बाद में माल सबको गाड़ी पर लोड करेंगे। अभी इधर देख सकते हैं, इधर कृष्णा भी है, इधर खेल रहा है, देख सकते हैं। तो मैं खाता हूँ, खा के उसके बाद में फिर सामान लोड करना है। खाएगा कृष्णा भी, खाएगा दोस्तों, देख सकते हैं खाने के लिए तैयार है ये भी। दोस्तों अभी खाना खा लिया, और सामान भी लोड हो गया है,
गमछा लोड करना है तो गमछा लोड कर लेते हैं। कितना भाग 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 भाग। फाइनली दोस्तों लोड हो गया पूरा और पापा दस अभी हो गया, तो निकलते हैं अब इस समय से। दोस्तों पहला बोहनी हो चुका है, ये सामने वाला घर दिख रहा है वो वाला, वहीं पे तीन को टेप बिका है तो 60 रुपया से बोहनी भी हो गया है। अभी फिलहाल चलते हैं, अभी लगा सोनौल खान है तो सोनौल खान घूम के और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी सोनौल खान गांव घूम लिया, इसमें जो है ना 10 का उधारी था तो मांगे तो दे रहा था, लेकिन उसके पास 100 का नोट था, हमारे पास चेंज सारा ख़त्म हो गया, 30 रुपया मात्र चेंज है, इसकी वजह से उधारी मिला भी नहीं है। तो मेरे पास ही उधार छोटा रुपया नहीं था और उसके पास भी नहीं था, इसकी वजह से। तो चलिए दोस्तों फिलहाल घूमते अगला गाँव मलाही टोला और सिंहोर गाँव, ये दोनों गाँव घूम करके और फिर मिलते हैं, ये दोनों गाँव घूम करके फिर मिलते हैं। फाइनली दोस्तों मलाही टोला और सिंहोरवा दोनों गांव घूम लिया, दोनों गांव मिला करके लगभग 650 का सेल हुआ है, जिसमें 50 रुपये उधारी मिला है, 600 का सेल हुआ है, तो टोटल सेल हमारे पास अभी तक ले जो है ना 700 का सेल हो चुका है। और टाइम की बात करें तो दोस्तों टाइम अभी हो गया है 12:30, तो अभी चलते हैं दोस्तों ननकार सिमरदा घूमते हैं, दोनों गाँव सटे सटे हुए हैं तो ननकार सिमरदा घूम के और फिर मिलते हैं, देखते हैं कितना का सेल होता है और दोनों गांवों में कितना समय लगता है, देखते हैं। फाइनली दोस्तों अभी ननकार सिमर तक घूम के निकल चुका हूं और अभी चलते हैं दोस्तों नरहा, नरहा घूमते हैं। और ननकार सिमरदा में दोस्तों 100 रुपया उधारी मिला है और 50 रुपये का सेल हुआ है, बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों आज सेल बहुत कम हुआ है, अभी लगभग 2:30 बज चुका है, देख सकते हैं इस समय का व्यू, और 2:30 बज चुका है। अभी तक ले टोटल सेल की बात करें तो दोस्तों अभी 800 का सेल हुआ है अभी तक, टोटल मिलाया जाए उधारी और बिक्री दोनों मिलाया जाए तो 850 का हुआ है। चलिए फिलहाल देखते हैं अब इस समय से कितना का सेल होता है, अभी 2:30 बज रहा है। तो दोस्तों अभी पीछे जो है ना पेट्रोल पंप है, दिख रहा होगा या ना दिख रहा होगा, अभी दोस्तों कितना 430 रुपये में पूरा टंकी फुल करवा दिए हैं और चलते हैं दोस्तों। अभी टाइम 5:15 रहा है और उधारी मांगने के चक्कर में आज ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, सेल ज़्यादा नहीं हुआ है, सेल अभी तक 5:15 हो रहा है और सेल की बात करें तो 1050 का सेल हुआ है, यानी कि 1050-60 रुपये का सेल हुआ है बस। चलिए दोस्तों अब चलते हैं फिलहाल घर की तरफ चलते हैं, अभी 1 घंटा समय है, उधारी भी मांगना है, देखते हैं सेल होता है कि ना होता है, इसके बाद से उधारी मिलता है कि नहीं, फिर मिलते हैं दोस्तों बाद में। फाइनली दोस्तों अभी 6:45 हो रहा है और इस समय का व्यू कुछ इस प्रकार का है, और दोस्तों उधारी 230 रुपया था जिसमें से 100 रुपया मिला है और बिक्री अभी नहीं हुआ है, 5 बजे से लेकर अभी तक ले 6:45 हो रहा है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, फिलहाल अभी थोड़ा सा समय है तो सब्जी लेंगे। दोस्तों अभी बाज़ार भी हो गया, बाज़ार कर लिए, देख सकते हैं इसमें सब्जी उब्जी है और बच्चे सब का सनेस सब है तो ले लिए, इधर हमारा गाड़ी लगा हुआ है, अब चलते हैं। लगभग 180 रुपये का पूरा सामान हुआ है तो हो गया, इसको अच्छे से सेटअप करते हैं, इसी में रखते हैं, कैरेट में ही रख लेते हैं सही से, उसके बाद में चलते हैं दोस्तों। और टाइम 6:30 हो गया है, अभी आ गया घर, अभी टाइम 6:30 हो रहा है, अभी आकर के माल उतार करके अभी आ गया डायरेक्ट इस घर में। और दोस्तों आज का टोटल सेल की बात करें तो दोस्तों आज जो है ना हमारे पास टोटल माल रुपया है टोटल 1670 रुपया, जिसमें से हमने 470 रुपया लेकर के बताया, तो 1200 का आज सेल हुआ है दोस्तों, और 1200 सेल में से जो है ना 250 रुपया उधारी मिला है, टोटल मिलाते तो हो जाता है 1200, 950 का सेल और 250 ये उधारी वाला, तो 1200 का आज टोटल सेल है। और खर्चा ज़्यादा हो गया है, खर्चा लगभग 430 रुपये का पेट्रोल हो गया, 200 रुपये इधर खर्चा सब्जी उब्जी नाश्ता उस्ता में हो गया, यानी कि 630 रुपये आज खर्चा हो गया। और सेल की बात करें तो टोटल सेल 1200 का हुआ, तो सेल ज़्यादा सेल कम और खर्चा ज़्यादा आज हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ से अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि दोस्तों अभी जो हुआ है, आज जो हुआ है उससे थोड़ा सा सबक मिलेगा, तो उधार देने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को ब्लॉग में पता चल जाएगा। ज़्यादा उधार नहीं लगाते, लेकिन ज़्यादा सेल हुआ था 45-46 का उसी दिन
5-6 सेल उधारी लग गया था, नहीं तो ज़्यादा उधार नहीं लगाते, ज़्यादा 150 उधार लग गया बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं लगाते। चलिए अभी चलते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद में वीडियो एडिट करेंगे, फिर सोएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज मैं खा रहा हूँ, देख सकते हैं रोटी है गेहूँ का, कितना अच्छा है, प्यारा सा। और ये है मार्केट का चप, आलू चप, प्याज कचरी, देख सकते हैं। तो चल खाते हैं। और दोस्तों बाजार का चप, कचरी और रोटी खाने में बहुत ही मज़ा आता है, तो चलिए खाते हैं।